हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है क्या? तो नाम से ही पता है, कनेक्टिव जो कनेक्ट करता है, मतलब ये टिश्यू वो होते हैं जो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं और दूसरे जो टिश्यूज हैं उनको क्या करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो डेफिनेशन में कनेक्ट, ये कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है एंड सपोर्ट, कनेक्ट सेपरेट एंड सपोर्ट ऑल द टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू कुछ एग्जांपल, जैसे शुरू में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ब्लड का एग्जांपल दिया था कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के एग्जांपल से आप समझ सकते हो ब्लड क्या करता है। ब्लड लंग से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को सीधा कैरी ऑन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करके अल्टीमेटली सेल्स तक वो पहुंचाता है, और वहां से वेस्ट मटेरियल वगैरह है तो वो भी किडनी वगैरह तक पहुंचाता है। तो ब्लड का कार्य हो गया कनेक्ट करने का। तो इसी तरीके से दूसरे टिश्यूज भी हैं जो बॉडी में कनेक्ट करने के, सेपरेट करने के और सपोर्ट करने का काम करते हैं, इसको हम अभी वीडियो में समझेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू में एक्चुअली जो सेल्स है, इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लूजली जो है स्पेस्ड होते हैं, लूजली स्पेस्ड, आपस में ज्यादा कॉम्पैक्ट रूप से बंधे हुए नहीं रहते, लूजली स्पेस्ड रहते हैं और इम्बेडेड मतलब दसे हुए रहते हैं। इम्बेडेड किसमें दसे हुए रहेंगे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि एक मैट्रिक्स है फ्लूड जेली जैसा, उस मैट्रिक्स के अंदर वो धसे रहेंगे वो सेल्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें मुख्य रूप से होती है, सेल और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बना है? ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स, ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स से मिलकर मैट्रिक्स बना है। तो ग्राउंड सबस्टेंस क्या होते हैं? तो ग्राउंड सबस्टेंस वो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग जो थिंग्स है। लिविंग तो क्या हो गई? सेल्स, और नॉन लिविंग है वो ग्राउंड सबस्टेंस। उसके अलावा प्रोटीन के फाइबर होते हैं जो उसमें बना, तो ये तीनों मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैट्रिक्स की बात आती है कि मैट्रिक्स जो है वो जिसमें इस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स उसमें अरेंज रहते हैं, तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक जेली लाइक है, जेली लाइक फ्लूड, जैसे जेली होती है उसमें सेल्स धसे हुए होते हैं, और ये क्या होती है? डेंस और रिजिड, ये घनी भी हो सकती है एकदम, और रिजिड थोड़ी भी हो सकती है, एकदम फ्लूड लाइक भी हो सकती है। तो मैट्रिक्स अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि सारे कनेक्टिव टिश्यूज का मैट्रिक्स एक जैसा हो। मैट्रिक्स डिपेंड करता है उस कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर कि वो टिश्यू किस प्रकार का है ना, तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है मैट्रिक्स का नेचर, और वो किस पर डिपेंड करता है? विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का है, उसका फंक्शन कैसा है, वो कैसा कार्य करता है, उसके ऊपर उस मैट्रिक्स का नेचर भी डिपेंड करता है। वो मैट्रिक्स एकदम से घना, डेंस, कड़ा इस प्रकार का है, टाइटली है, या फिर लूजली फ्लूड जैसा है ना? और दूसरा, गिव्स द टिश्यू इट्स डेंसिटी। तो टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो किसके कारण मिलता है? इसी मैट्रिक्स के कारण मिलता है, ठीक है ना। और कंपोज्ड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर, ये मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स किससे बना है, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर से मिलके मैट्रिक्स बनता है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होते हैं? नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पदार्थ है वो ग्राउंड सब्सटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा फाइबर्स जो कोलेजन के होते हैं, तो वो फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो हम जानते हैं कि अभी मैं शुरू में आपको बताया कि ब्लड क्या करता है, कि बॉडी में कनेक्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ऑक्सीजन सप्लाई ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस वगैरह है, फूड है, डाइजेस्टेड फूड के ट्रांसपोर्ट करता है, ये सभी कार्य ब्लड का है। तो मेन रूप से हम समझ लेते हैं कि ब्लड में क्या है। ब्लड एक फ्लूड लाइक जेली समान जैसा एक सब्सटेंस करता है, वो है प्लाज्मा। उसका जो मैट्रिक्स है ब्लड का, वो लिक्विड के जैसा होता है और उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। इसी प्लाज्मा में
ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों प्लाज्मा में रहती है। तो इस प्लाज्मा में तीनों जो कॉर्पसल्स है, ब्लड कॉर्पसल्स जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अलावा प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा में रहता है, फ्लो करता है। ये सभी इसके साथ, जैसे प्लाज्मा फ्लो करता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, तो ये कॉर्पसल्स भी इसके साथ फ्लो करते हैं। तो तीन प्रकार के सेल्स बताया आपको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आप जानते हैं ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। लंग्स में ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है, हीमोग्लोबिन, और वो सेल्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बताया, जो WBC कहते हैं उसको, और WBC का क्या कार्य है, WBC हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ये कलरलेस होती है, इसका तो कलर रेड होता है आरबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, ये कलरलेस होती है और हमारी डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम WBC करती है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये न्यूक्लियस में नहीं होता है, इन सेल्स में, प्लेटलेट्स में, और ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लेटलेट्स के कारण ही ब्लड में ब्लड का क्लॉट बन पाता है। जब भी हमें कोई घाव लगता है, चोट लगती है, तो उसकी क्लॉटिंग किसके कारण हो पाती है, प्लेटलेट्स के कारण हो पाती है। ब्लड में जो प्लाज्मा है, उसमें प्लाज्मा में है क्या, प्लाज्मा में क्या हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन से उसमें है, साल्ट एंड हार्मोन्स है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स उपस्थित रहता है। और ब्लड का कार्य पहले आपको बताया, फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, डाइजेस्टिव फूड का, हार्मोन्स का एंड वेस्ट मटेरियल का। तो इस प्रकार से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब अगले कनेक्टिव टिश्यू बोन्स के बारे में बात करते हैं। देन बोन एकदम हार्ड होता है, हम जानते हैं हड्डियों के बारे में, तो हड्डियां जिसे बोन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर का वो एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क देता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मूवमेंट भी हम बोन्स के कारण ही कर पाते हैं, कि वो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में भी इजीली हेल्पफुल। ये क्या करता है, फॉर्म द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बनाता है एंड सपोर्ट द बॉडी, और हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। इजी, दैट इज क्लियर। अगला है कि ये आप जैसे बोन्स है, तो बोन्स के ऊपर मसल्स भी सारी इसके ऊपर रहेगी, है ना। तो इट एंकोर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो इसके ऊपर मसल्स एंकोर्स रहेगी, मसल्स इसके ऊपर, और ये जो बोन्स है वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स को भी क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो बोन्स के बिना उसकी सपोर्टिंग भी नहीं होती। दूसरी, बोन्स क्या है, स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग होते हैं बोन्स, एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज है, ये फ्लेक्सिबल, मुड़ते नहीं है बोन्स, कभी मुड़ते नहीं, मुड़ेंगे तो टूट जाएंगे। देन स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज आर बोन्स। अब बोन्स का मीन्स सेल्स है, बोन सेल्स, उसको कहते हैं ऑस्टियोसोल्स। ये एम्बेडेड रहती है हार्ड मैट्रिक्स में। अब जो पहले बताया कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में सेल्स होते हैं। बोन्स के जो सेल्स है, ये बोन्स के सेल्स हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं, हार्ड मैट्रिक्स, इसीलिए बोन्स एकदम हार्ड होती है। और उस मैट्रिक्स में क्या है, वो मैट्रिक्स है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस से, उन कंपाउंड से ये मैट्रिक्स बना हुआ है। और इसमें जो प्रोटीन है, इस मैट्रिक्स का प्रोटीन है, वो है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन कहलाता है। इस प्रोटीन में ये कंपाउंड्स रहते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वो इसका मैट्रिक्स है, और उसके अंदर ये बोन सेल्स के अंदर एम्बेडेड दसे हुए रहती है। तो इस प्रकार से ये बोन्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब हम अगले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स, समझ लीजिए इसको, कि अभी हमने जिस बात की बोन्स की, बोन्स जो फ्रेमवर्क बनाता है, लेकिन बोन्स से बोन्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, बोन्स से बोन्स जुड़ते हैं लिगामेंट के द्वारा। ये लिगामेंट उनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं बोन्स को बोन्स से। तो ये कनेक्ट टू बोन्स ईच अदर, ये दो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं ये, और ये वेरी इलास्टिक होते हैं, बहुत ही प्लास्टिक होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, यानी कि आप जैसे मुड़े तो वो आसानी से मुड़ सकते हैं, वेरी इलास्टिक।
एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और उसमें एक स्ट्रेंथ होती है जो इसको इलास्टिक तो होता है लेकिन वो टूट नहीं पाता आसानी से. कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स बहुत ही थोड़ा होता है, कम होता है, ठीक है ना. तो ये लिगामेंट की विशेषता है, बॉन्स टू बॉन्स को कनेक्ट करता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है तो वो जल्दी से टूटता भी नहीं है. अब टेंडन्स की अगर बात करें तो टेंडन्स भी कनेक्ट करता है लेकिन बॉन्स टू बॉन्स से नहीं, बॉन्स को मसल्स, कनेक्ट मसल्स टू बॉन्स. और ये एक फाइबरस टिश्यू है विथ ग्रेट स्ट्रेंथ, फाइबरस टिश्यू बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है और इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल सब ज्यादा कौन होगा. अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो लिगामेंट्स है ये बॉन्स को बॉन्स कनेक्ट करता है जबकि टेंडन्स बॉन्स को मसल से कनेक्ट करता है. ये वेरी इलास्टिक है और ये कैसा है, ये स्ट्रांग है, ठीक है ना. और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, थोड़ी कम होती है, ये इसका उनके बीच का डिफरेंस है. नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यू में बात करते हैं कार्टिलेज की. देन कार्टिलेज क्या करता है, ये कार्टिलेज बॉन्स के जो एंड है, वन एंड है, जो बॉन्ड की, जो बॉन्ड के जो सिरे हैं उनको क्या करता है, ये स्मूथन करता है, स्मूथ मतलब चिकना बनाता है. तो वो चिकना किसके कारण होगा, वो कार्टिलेज, क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ होगा, कार्टिलेज. तो हैज ए वाइडली स्पेस सेल्स, इसमें जो सेल्स है वो अलग अलग मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट रूप से नहीं होंगे, वाइडली स्पेस उनके बीच में बहुत ही स्पेस होगा. और इसका जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का वो सॉलिड मैट्रिक्स है और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर. प्रोटीन होता है इसका कॉन्ड्री, कॉन्ड्री प्रोटीन कहलाता है, वो इसमें पाया जाता है. और इसका कार्य वही अभी मैंने बताया, बोन्स की जो सरफेस है जहां पे जॉइंट्स होता है, ये जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स पर बोन्स की जो सरफेस है उसके ऊपर ही इसको क्या करता है, स्मूथ मतलब चिकना बनाता है उसको. और ये जो कार्टिलेज है बोन्स के जो एंड है वहां तो पाया जाता है, इसके अलावा नोज, ईयर्स इसमें पाया जाता है, ट्रेकिया, फैंग्स, इन सब में ये कार्टिलेज पाया जाता है. कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं, कान के ईयर को, ईयर को हम क्या करते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बट बॉन्स को हम फोल्ड नहीं कर सकते, वो ब्रेक हो जाएगा. देन ये कार्टिलेज का कार्य है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज. एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है ये एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू कहां रहता है, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, जो हमारे स्किन है और मसल्स के बीच में ये पाया जाता है, और अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों ओर ये होता है, नर्व्स के चारों ओर होता है, एंड इन द बॉन मैरो, और बॉन मैरो के अंदर भी ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं. काम क्या है इनका, तो ये क्या करते हैं कि फिल करता है, जो जगह खाली रह गई ना, स्पेस जो बीच में बैठ गई उसको क्या करता है, फिल करने का काम करता है, भरने का काम करता है. फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के अंगों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को भरने का काम ये टिश्यूज करते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं. ये सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हमारे आंतरिक ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट सहायता करते हैं. रिपेयरिंग टिश्यूज, तो हेल्प करते हैं ये जो टिश्यूज को वापस से रिपेयर करने में, जो उनमें टूट फूट हो गई है, उनको डैमेज हो गया है, उसको वापस रिपेयर करने का काम ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं. तो अगला हमारा कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं, और स्किन के नीचे इसका मेन तो ये क्या होता है, ये फैट स्टोरेज जो टिश्यू है, फैट, फैट को ये स्टोर करता है. हमारे स्किन के अंदर नीचे जो फैट जमा होती है ना, वो फैट इस टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में जमा होती है. तो ये एक क्या करता है, ये एक इंसुलेटर का काम भी करता है. इंसुलेटर मीन्स जिसको कुचालक, जिसको हम बोलते हैं, जो हीट को क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता, उसको इंसुलेटर कहते हैं. तो ये भी क्या करता है, स्किन के नीचे एक लेयर बना लेता है और ये इंसुलेटर का काम कार्य करता है. तो ये जो है फैट स्टोरिंग है बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर के ऑर्गन्स हैं
उसके बीच में भी ये पाया जाता है। और ये जो सेल्स है जो इस टिश्यू की एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स है वो फिल्ड होती है, भरी हुई होती है फैट ग्लोब्यूल्स के द्वारा। फैट ग्लोब्यूल्स उसमें पाए जाते हैं उस सेल्स के अंदर, एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में ये कार्य करता है और स्टोरेज ऑफ फैट के कारण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है, वीडियो है, कनेक्टिव टिश्यूज का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।